आप अपने दुश्मन को भी अच्छे से समझते होते हैं ना, लेकिन उससे भी ज्यादा आप अपने प्रेमी को समझते होते हैं, क्योंकि आंखों में जो प्रेम दिखता है वो तो व्यक्ति समझता ही है ना। अरे छोटा सा जो दूध मुहा बच्चा है ना, वो भी अपनी माँ की आंखों में रहे हुए प्रेम को समझता है। हाँ जी, कर्म तो हम बड़े हो जाएं उसके बाद करते हैं, और एकदम बड़ी उम्र हो जाए तो फिर कुछ कर्म नहीं हो पाता, हमारे बदले किसी और को सब कर्म करने पड़ते हैं। कपड़ा चेंज करना, खिलाना पिलाना, नहलाना, कभी कभी जैसे छोटे बच्चे का दूसरे लोग करते हैं, वैसे ही बहुत बूढ़ी बड़ी उम्र हो जाए तो फिर दूसरे करते हैं। और ज्ञान का भी ऐसा ही है, वो तो आता है तो आता है, नहीं तो 55 वर्ष ना ही पाची के रमता हुई। पर प्रेम एक ऐसी चीज है, अभी का जन्मा हुआ बच्चा भी अपनी मां के थन को पुचुर पुचुर पीता है और उसकी आंखों में देखता है, उस मां का स्नेह वो छोटा बच्चा भी समझता है। जो बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं ना, कौन टीचर बढ़िया से पढ़ाते हैं और कौन ये आंखें निकालते हैं, बच्चे समझ जाते हैं तुरंत। जवान आदमी भी अपनी अपनी तरह, अपना मित्र हो, अपनी कोई प्रिय सखी हो, इस तरह से आंखों में प्रेम जो हो उसको जवान आदमी भी जानता है। किसी प्रौढ़ को पूछो वो भी समझता है प्रेम कौन है। और जो एक घंटे के बाद मर जाएगा ऐसा भी कोई व्यक्ति हो, कौन प्रेम से सेवा करता है, उसकी आंखों में जो प्रेम है उसको वो भी पहचानता है, क्योंकि हम प्रेम से ही पैदा हुए हैं, इसलिए हम प्रेम बहुत जल्दी समझते हैं।